और जो जो अभी तक प्रोग्रेस है उसको रिव्यू किया और आगे क्या क्या कदम उठाने की ज़रूरत है वो रिव्यू किया। बहुत अच्छी चीज़ है कि अभी तक हम लोग इसको कंटेन कर पाए हैं और वो इसी वजह से क्योंकि सारी सरकारें मिलके कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस पर एफर्ट्स कर रही हैं और इसी तरह से अपने को आगे भी इसको कोशिश करनी है कि ये कंटेन रहे और ये ज़्यादा ना फैले। मास्क की जिस तरह से कमी दिखाई दे रही है और सैनिटाइजर्स की काला बाजारी शुरू हो गई है, उन सबको लेके क्या कुछ बात हुई? वो बार बार कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मास्क को लेके जो जनता में गलत फहमी है, स्वस्थ लोगों को मास्क की ज़रूरत नहीं है। जो जो इन्फेक्ट हो गया और जिसमें सिम्टोमेटिक है जो, उनको ज़रूरत है, या मैक्सिमम एसिम्टोमेटिक लोग हैं जो उसके कांटेक्ट में है वो पहन ले, लेकिन जनरल जनता को मास्क की ज़रूरत नहीं है। मास्क कई बार हानिकारक भी हो सकता है। और सैनिटाइजर्स का जहाँ तक सवाल है, आप बार बार साबुन से हाथ धोइए, अच्छी तरह से हाथ धोइए, सैनिटाइजर्स की भी जरूरत। सर, केमिस्ट वाले इसको स्टोर कर रहे हैं और कुछ उनके खिलाफ हम कदम उठाएंगे, लेकिन जब जनता इतने मास स्केल पे खरीदना बंद करेगी तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। जनता अपनी गलत फहमियाँ जो डॉक्टर्स को भी नहीं मिल रहे, डॉक्टर्स कंप्लेन है कि उनको इमरजेंसी में नहीं मिल रहे मास्क। कहाँ पे नहीं मिल रहा आप हमें बताइए, सरकार के पास है सफिशिएंट? अगर कहीं स्पेसिफिक अगर कहीं डॉक्टर को नहीं मिल रहा आप हमें बताइए, हम दिलवा देंगे। थैंक यू।